हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज अ बैलेंसिंग। ओके, इट्स अ फर्स्ट पार्ट इज अ रोटर डायनामिक्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट चैप्टर एंड टुडे इज अ प्योर वी विल लर्न ओनली बैलेंसिंग। सो गाइस, यहाँ पे बैलेंसिंग के दो टाइप्स हैं। एक है स्टैटिक एंड डायनामिक्स। बैलेंसिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है तो समटाइम्स, काफ़ी रेयरली है, बट इनलाइन इंजन के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल, मुझे आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है अभी तक का, जो कि मुझे बैलेंसिंग के रिगार्डिंग मुझे आपके साथ बताना चाहिए, क्योंकि आप उसको एग्जाम में फेस करोगे। सो गाइस, हमेशा याद रखना कि बैलेंसिंग के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अराउंड 10 to 12 मार्क्स के होते हैं। 10 to 12 मार्क्स के होते हैं, उसका वेटेज होता है गाइज। बट यहाँ पे दो टाइप के मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड काफ़ी इजी है बट काफ़ी लेंदी है, और ग्राफिकल मेथड में आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना डायग्राम एक्यूरेट होगा, फोर्स पॉलीगॉन, कपल पॉलीगॉन, जितना एक्यूरेसी होगा उतना बेटर होगा। ओके, बट वंस अगेन इट्स अ वेरी लेंदी, समटाइम्स इट्स बिकम्स वेरी लेंदी। सो अगर आप इसको सोच रहे हो कि मैं आपका सपोज 3 आवर्स का टाइमिंग है और आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, और या फिर 2:30 को पेपर स्टार्ट हो रहा है, और आपको सबसे इजी न्यूमेरिकल दिख गया बैलेंसिंग का, और आपने उसको तुरंत सॉल्व करने को लिया क्योंकि आपने जो किया था वही एग्जाम में न्यूमेरिकल आया, बट रिमेंबर इट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स। इट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स। ओके, तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप सोच रहे हो कि बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा फिर बाकी का पेपर मैं सॉल्व करूंगा, ओके, तो हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस है कि आप बाकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। सो इट्स माय एक्सपीरियंस कि बैलेंसिंग को तभी हाथ लगाना है जब आपके पास लास्ट 1 आवर बाकी है। जब आपके पास लास्ट 1 आवर बाकी है, आपका ऑलमोस्ट 80-70% आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, बैलेंसिंग आपको आता है, तो बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए बैठ जाना। ओके, बट एक चीज़ और याद रखना है कि आपको 3 आवर्स का अगर पेपर है, 3 आवर्स का बेसिकली पेपर होता है, तो एक क्वेश्चन को, ना कि सब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, टोटल वन क्वेश्चन को जिसका वेटेज होता है 20 मार्क्स, उसको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स उसका आइडियल टाइमिंग होता है। अगर क्वेश्चन 1 हो 2 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बट एक क्वेश्चन को अगर 45 मिनट्स के ऊपर अगर आपको टाइम जा रहा है, देन रेड अलर्ट, आप पूरा पेपर चाहते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि बैलेंसिंग अभी आपको कभी सॉल्व करना है जब लास्ट का 1 आवर बाकी है, तो बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए लेना है। बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे टाइम जाएगा। ओके, सो ये पकड़ के चलो लास्ट 1 आवर। और एक और चीज़ में एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल जो होता है, तो उसका जो गिवन डेटा है, उसका जो टेबल है, उसका जो लीनियर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है, वो ट्राई करना। आपका बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल आपको लेफ्ट साइड के पेज से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से ही, पेज के से ही स्टार्ट करना है। क्यों करना है वो न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। अगर वैसे नहीं करते हो, देन पकड़ के चलो 45 मिनट्स के जगह पे 1.5 आवर आपको लगेगा। ओके, चलो मैं आपको डराता नहीं ज़्यादा, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। फिर ओके, तो बेसिकली चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग होता क्या है? गाइज, वाइब्रेशन का ही पार्ट है बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंस वाइब्रेशन क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अनबैलेंस क्रिएट होते हैं। अनबैलेंस क्रिएट क्यों होता है वहाँ पे? इसेंट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक माउंटिंग हो की वजह से वहाँ पे क्या होता है, रोटेशनल एक्सिस एंड सी जी एक्सिस गेट डिफर। सो वहाँ पे क्या होता है, अनबैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस कपल्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। सो बैलेंसिंग क्या काम है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग कम्प्लीटली या तो फिर पार्शली, जितना हो सके ट्राई करना है कम्प्लीटली, अदरवाइज पार्शली हमें क्या करना है, इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंपोनेंट्स। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग, यहाँ पे मिस हो चुका है वर्ड्स,
जस्ट वेट, एलिमिनेटिंग पार्शियली और कंप्लीटली द इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंपोनेंट्स। ओके, तो पार्शियली करना है या तो फिर कंप्लीटली करना है, बट किसको बैलेंस करना है? अनबैलेंस फोर्सेस एंड कपल्स को। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, फर्स्ट इज अ स्टैटिक फोर्स, सेकंड इज अ डायनेमिक फोर्स। तो स्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मास, ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब वो स्टडी कंडीशन में है तो स्टडी कंडीशन में एक ही फोर्स एक्ट होता है उसका खुद का वेट डाउनवर्ड में। नेक्स्ट है डायनामिक फोर्स, द फोर्सेस ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इसके वजह से जो फोर्सेस एक्ट हो गए कंपोनेंट पे उसको बोलते हैं डायनामिक फोर्सेस। गॉट इट? स्टैटिक फोर्स में अगर सिर्फ इट्स ओन वेट या तो फिर मास, और डायनेमिक फोर्सेस में क्या आ गया, द फोर्सेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, ये थे फोर्सेस, अभी देखते हैं बैलेंसिंग। फर्स्ट इज द स्टैटिक बैलेंसिंग, सेकंड इज द डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग देखते हैं, द सिस्टम इज सेट टू बी स्टैटिकली बैलेंस्ड इफ द सीजी ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द सिस्टम। अगर उसका सीजी रोटेशनल एक्सिस पे मैच होता है देन इट इज स्टैटिकली बैलेंस्ड। बट उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ डायनामिक फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ डायनामिक फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो, ये किसके लिए है? स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए। तो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या है? तो डायनेमिक बैलेंसिंग का मैथमेटिकल कंडीशन यह है, मुझे सिर्फ समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो ही नहीं चाहिए, एंड मुझे कपल भी क्या चाहिए? जीरो चाहिए। समेशन ऑफ डायनेमिक कपल शुड बी इक्वल टू जीरो। इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड द रिजल्टेंट कपल्स आर ऑल्सो जीरो, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन डायनेमिक बैलेंस। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस या तो फिर कपल्स जीरो होके नहीं चलेगा, फोर्सेस एज वेल एज कपल दोनों का भी एडिशन कितना आना चाहिए? जीरो, देन इट विल बी डायनामिकली बैलेंस। गॉट इट? स्टैटिक बैलेंसिंग में फोर्स जीरो होना चाहिए एंड डायनामिक बैलेंसिंग में फोर्स एज वेल एज कपल्स बैलेंस, कपल्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था जो कि मैं बोल रहा था, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो गिवन डेटा है जो लीनियर पोजीशन डायग्राम है, और यहाँ पे नहीं हुआ एडजस्ट, बट आपको एडजस्ट करना है। ये होती है एंगुलर पोजीशन और ये टेबल, जितना हो सके इतना लेफ्ट साइड के पेज पे आपको एडजस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर वन गाइज, यहाँ पे मैंने दिया है 12.6.1 पेज नंबर 10-10, आप टेकमैक्स में रेफर कर सकते हो ये न्यूमेरिकल 10.6.1। ओके, क्या बोला है? ए रोटेटिंग शाफ्ट कैरीज फोर अनबैलेंस्ड मासेस। पता चल गया बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल है। ए शाफ्ट है, इट कैरीज द फोर अनबैलेंस मासेस M1, M2, M3, M4 ऑफ अ मैग्नीट्यूड्स 20 kg, 15 kg, 17 kg, 14 kg, रिवॉल्विंग इन अ रेडियस 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm रिस्पेक्टिवली। द मासेस M2, M3, M4 रिवॉल्व इन अ प्लेन्स 100 mm, 180 mm, 300 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्लेन ऑफ मास M1, and they are angularly located at 65 degree, 145 degree, 270 degree respectively, measured in anti-clockwise direction from the mass M1. Looking from the mass end of the shaft is to be dynamically balanced by two masses, both located at 70 mm radius and revolving in a plane midway between those of M1 and M2 and midway between those M3 and M4, determine magnitude of the balancing masses and their respectively angular position. So there are four masses are given, M1, M2, M3, M4, 20 kg, 15 kg, 17 kg and 14 kg, having a radius. This radius indicates eccentricity because there is an unbalance. So it's a CG axis and rotational axis are the different. So there is a
डिस्टेंस इज मेंटेन बिटवीन दीज टू एक्सिस. सो 60 mm, 80 mm, 100 mm एंड 60 mm इट इंडिकेट्स इसेंट्रिसिटी, बट वी विल कॉल इट एज अ रेडियस. ओके, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm. सो m1, m2, m3 का रेडियस दिया हुआ है. द मासेस m2, m3, m4 रिवॉल्व इन अ प्लेन्स 100 mm, 180 mm, 300 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्लेन ऑफ m1. सो m1 से उनका क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है. m1 से m2 का डिस्टेंस है 100 mm, m1 से m3 का डिस्टेंस है 180 mm, m4 से उसका डिस्टेंस है 300 mm. सो हियर m1 इज अ रेफरेंस मास. दीज आर ऑल्सो एंगुलरली लोकेटेड एट 65 degree, 145 degree, 270 degree रिस्पेक्टिवली मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द मास m1. सो अगेन m1 इज अ रेफरेंस मास, वहां से उसका एंगल दिया हुआ है 65 degree, 145 degree, 270 degree, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द शाफ्ट इज टू बी डायनेमिकली बैलेंस बाय टू मासेस. सो बैलेंसिंग का कितने से मासेस से करना है, टू मासेस से. दिस बोथ आर लोकेटेड एट 70 mm रेडियस. ओके, तो बोथ मासेस का उन्होंने रेडियस दिया हुआ है 70 mm. दीज आर रिवॉल्विंग इन अ प्लेन मिडवे बिटवीन दोज ऑफ m1 एंड m2. ओके, तो जो दो मासेस है वो कहाँ पे उसका पोजिशन रहेगा, m1 एंड m2 के मिडवे में, और दूसरे का m3 एंड m4 के मिडवे में. Determine the magnitudes of the balancing masses. So, आपको balancing masses के masses निकालने हैं and their angular positions आपको find out करना है. So, let's see. Four masses are given: m1, m2, m3, m4. 20, 15, 17, 14. Next, radius are also given: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm. And angles. Angles are missing here. 65 degree, 45, 145, 270. 65 is for M2, M3, M4. For M1 क्या है यहाँ पे, reference axis है. So theta 1 रहेगा 0 degree, theta 2 का 65 degree from M1. 0 degree इसलिए क्योंकि वो reference axis है. M3 का है 145, and what about M4? 270. Okay, these angles are given. Next bola, balancing done by two masses. So usko MB1, MB2 bola. And radius are also given. So balancing ka isliye RB1, RB2. Kitna hai? 70 mm. 17 × 10⁻³ meter. ओके, और उन्होंने वन मोर डेटा दिया हुआ है 100 mm, 180 mm, 300 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मास m1. सो m1 से उनका लीनियर पोजीशन भी गिवन है. सो मैं काम करता हूँ, m1 को सबसे पहले ड्रॉ किया. सो दिस इज अ लीनियर पोजीशन जहाँ पे हम CG को एज अ बलून की तरह शो करते हैं. हम CG को बलून की तरह शो करते हैं. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट मास, सेकेंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास. और उसका जो डिस्टेंस है, CG का रोटेशन एक्सिस है, वो इंडिकेट करता है R1, R2, R3, R4 या तो फिर RB1, RB2. सो सेकेंड मास का डिस्टेंस है 100 mm, M3 का डिस्टेंस है 180 mm एंड M4 का डिस्टेंस है 300 mm रिस्पेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू एट बैक साइड. सो जो नेक्स्ट जो डेटा है वो आपको यहीं पर एडजस्ट करना है, यहीं पर होना चाहिए. सो ये डायग्राम काफी स्मॉल होना चाहिए तो जाके वो एडजस्ट होगा. फिर उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं. M1 को उन्होंने क्या बोला है, रेफरेंस एक्सिस, तो उसका एंगल आएगा 0. थीटा 2 कितना था, 65 degree. थीटा 2 65, M2 मिला. थीटा 3 कितना है, 14 degree. ओके, सो ये M3 है. नेक्स्ट थीटा 4 कितना है, 270 degree. तो थीटा 4 270. सो इनिशियल आपके पास M1 रहेगा, M2 रहेगा, M3 रहेगा. ओके, इनिशियली आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये अननोन है, ये गिवन नहीं है. नेक्स्ट आपको करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, MB1, MB2, थीटा B1, थीटा B2, एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करना है.
तो लीनियर पोजीशन के बाद एंगुलर पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आपका टेबल आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बट ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट अगर सेम है तो उसका ओमेगा मीन्स आरपीएम रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी, तो वो सबके लिए कॉमन रहेगी तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम आर को, क्योंकि ओमेगा सबके लिए कॉमन रहेगा, वो बाद में जाके कैंसिल होगा। सो एफ सी इज इक्वल टू एम आर। एंड वॉट अबाउट कपल, कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एम इंटू आर, ये तो फोर्स हुआ इंटू डिस्टेंस एल, सो यू विल गेट कपल। सो फोर्स का यूनिट हम न्यूटन नहीं बोलेंगे क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस, सो के जी मीटर। एंड वॉट अबाउट कपल, के जी मीटर मीटर, सो के जी मीटर स्क्वायर। गॉट इट? सो लेट्स सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। तो फोर्स के लिए मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये कॉलम है फोर्स का और दूसरा है कपल का। सो फोर्स कहाँ से मिलेगा, केजी इंटू रेडियस, सॉरी मास इंटू रेडियस। तो सबसे पहले प्लेन, प्लेन नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप लिख सकते हो मासेस। फर्स्ट मास कितना है, 20 kg है एम वन। ओके, बट ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपको देखने के लिए रेफर करना पड़ेगा लीनियर पोजीशन वाला डायग्राम। ओके, लीनियर पोजीशन में यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, बैलेंसिंग मासेस बोला था एम वी वन एम वी टू, और एम वी वन का लोकेशन था मिडवे बिटवीन ए एंड बी, एम वन एंड एम टू, और एम वी टू का उसका पोजिशन था मिडवे बिटवीन एम थ्री एंड एम फोर। तो हमने उसको क्या किया, एज अ डॉटेड लाइन से हमने इंडिकेट किया। ओके, तो एज अ डॉटेड हमने उसको क्या किया, मासेस को शो किया हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है आपको उसी को फॉलो करना है टेबल में। तो सबसे पहले क्या आता है, एम वन, उसके बाद एम बी वन, उसके बाद एम टू, देन एम थ्री, देन एम बी टू, देन लास्ट में एम फोर। तो ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है टेबल में। एम वन वो था 20 kg, एम बी वन, एम टू 15 kg, एम थ्री 17 kg, और मिडवे था एम बी टू, देन एम फोर 14 kg। नेक्स्ट, ऑल रेडियस आर गिवन इन गिवन डेटा, एम वन का दिया था, एम टू का दिया था, एम थ्री का दिया है, एम फोर का दिया है, और बैलेंसिंग मासेस का बोला था 70 mm, तो 0.07 एंड 0.07 आएगा। सो ऑल रेडियस आर गिवन, सो टेक अ प्रोडक्ट 20 × 0.6, यू विल गेट 1.2। एम बी वन इंटू 0.07, सो 0.07 इंटू एम बी वन मल्टीप्लाई करके लेना है और अननोन टर्म को एज इट इज रखना है। सिमिलरली 1.2, 1.7, 0.07 एम बी टू एंड 0.84। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो कॉलम हो गया रेडी, मुझे अभी डिस्टेंस लेना है। बट डिस्टेंस का किससे लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस से लेते हैं, सॉरी रेफरेंस प्लेन से कंसिडर होता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है रेफरेंस प्लेन। तो देयर आर टू अननोन्स, ओके, इन फोर्स कपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन में, यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे दो अननोन से, एक है एम बी वन, एक है एम बी टू। तो मुझे अननोन में से एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, क्योंकि अननोन में से एक रेफरेंस प्लेन को अगर डिक्लेयर करता हूँ, एज अ रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करता हूँ, तो उसका ओन डिस्टेंस, खुद से खुद का डिस्टेंस होगा जीरो। तो वो टर्म आगे जाके क्या होगा, जीरो। सो दिस इज अ रूल फॉर सिलेक्टिंग एज अ रेफरेंस प्लेन। आपको क्या करना है, अननोन टर्म में से क्या करना है, एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। सो यहाँ पे मैंने एम बी वन को चूज किया एज अ रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पे शो किया हमने एज अ रेफरेंस प्लेन, हमने किसको बोला है, एम बी वन को। ओके, दिस इज अ
रेफरेंस प्लेन आरपी। तो रेफरेंस प्लेन का लॉजिक है कि रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में जाता तो मुझे पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, बैक साइड में जाता तो मुझे उसको नेगेटिव डिस्टेंस लेना है। ओके, सो मास एम वन जो है वो रेफरेंस प्लेन के बैक साइड में है, कितने एमएम से है, 100 mm से। सो मुझे इसका कन्वर्जन करके लेना है मीटर में, तो 100 mm में 0.1 meter, सो बैक साइड में तो माइनस 0.05। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट एम बी वन, उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट एम टू, एम टू का डिस्टेंस आगे है राइट साइड में है, सो टेक इट एज पॉजिटिव, 100 mm मीन 0.1 meter, उसका हाफ कितना आएगा, ये डिस्टेंस 50 mm, सो 0.05। नेक्स्ट एम थ्री का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, सो यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, पूरा मैथमेटिकल टर्म है। सो टोटल कितना डिस्टेंस है, 180 mm, सो टोटल डिस्टेंस 180 mm, पीछे का माइनस कर दो, 180 माइनस 50 रहेगा 130 mm, मीन 0.13 meter। ओके, नेक्स्ट एम बी टू, सो एम बी टू मुझे मतलब ये डिस्टेंस लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 300 माइनस 180, मतलब ये जो गैप है वो 120 का गैप है। ओके, सो 120 का हाफ कितना होगा, 60 mm, सो यहाँ तक का ऑलरेडी डिस्टेंस है 130 प्लस 60 कितना होगा, 190 mm, तो 0.190। एंड फाइनली फाइनली कितना था, ये अगेन 60, सो 190 प्लस 60 दैट इज 250, 0.250 meter में कन्वर्जन किया है। नेक्स्ट 1.2 इट इज 0.05, सो यू विल गेट माइनस 0.06, 0.07 एम बी वन इंटू 0.0, 1.2 इंटू 0.05, 0.06। तो सिमिलरली आपको ये करना है, कॉलम सॉल्व करके लेना है। ओके, सो ये लीनियर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन एंड टेबल शुड बी ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड पेज। सो डेटा आपको जो यूज करना है फोर्स पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन में, वो राइट साइड में आपके सामने रहेगा। ओके, सो सबसे पहले अभी ड्रॉ करना है हमें फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन। सबसे पहले आपको चूज करना है कि मुझे कपल पॉलीगॉन सॉल्व करना है कि फोर्स पॉलीगॉन चूज करना है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ अननोन सबको टेबल में देखने हैं, तो यहाँ पे दो ही कॉलम इम्पोर्टेंट है, एक फोर्स का और दूसरा कपल का। तो फोर्स कॉलम में MB1, MB2, दीज आर टू अननोन टर्म्स। व्हाट अबाउट कपल पॉलीगॉन, सॉरी कपल कॉलम, देयर इज ओनली वन टर्म इज अननोन, दैट इज MB2। तो एक ही अननोन है, तो एक ही अननोन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद मुझे MB2 मिल जाएगा। जैसे मुझे MB2 मिला, मैं फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा तो मुझे MB1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चूज करता हूँ कपल कॉलम को, कपल पॉलीगॉन को, क्योंकि वहाँ पे एक ही अननोन है, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया कपल पॉलीगॉन। ओके, तो यहाँ पे अभी दूसरे रूल्स हैं ग्राफिकल मेथड में। नोट, पॉजिटिव डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड नेगेटिव डिस्टेंस टुवर्ड सेंटर, रेफर एंगुलर पोजिशन डायग्राम, रेफर एंगुलर पोजिशन डायग्राम। पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड सेंटर। लेट्स सी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है कपल है, दिस इज अ माइनस जीरो एंड देन पॉजिटिव टर्म्स। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो आपको देखना है उसका नेगेटिव साइन। और ये 0.06 कौन से मास का कपल है, M1 का। तो M1 का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा एंगुलर पोजीशन में, कहाँ पे है, 0 degree पे। ओके, 0 degree पे, बट दिस इज अ माइनस 0.06, सो माइनस मीन्स टुवर्ड सेंटर, पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सो अगर मैं यहाँ पे, मुझे कैसे जाना पड़ेगा,
टूवर्ड सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कपल क्या है, -0.06 टूवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया ओ, और मुझे उसका पोजीशन पता चला, मुझे कहाँ पे जाना है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में और 0 डिग्री पे, क्योंकि तो निगेटिव है। ओके तो इनिशियल मुझे कैसे जाना पड़ेगा, टुवर्ड सेंटर। नेक्स्ट, तो एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके लेनी है। नेक्स्ट MB1, वो तो 0 है, स्किप करो उसको। नेक्स्ट +0.06, और वो किसका है, M2 का है। तो प्लस मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M2, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री पे आपको क्या जाना है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके सो अवे फ्रॉम द सेंटर, सो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रख के 65 डिग्री का एंगल लेना है अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट 0.221 पॉजिटिव टर्म है, एंड M3, व्हाट इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ M3, दैट इज 145 डिग्री। सो 145 के बाद पॉजिटिव है, इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, 145 डिग्री पे अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके नेक्स्ट 0.013 MB2, दिस इज अननोन टर्म, तो उसको स्किप करना है, फिर नेक्स्ट टर्म पे जाना है, दैट इज 0.21 M4, और M4 का पोजीशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड में 270 डिग्री पे, और पॉजिटिव है इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके सो यहाँ से अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे यहाँ से एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके लेना है कि ये दिखेगा कैसे। तो इनिशियल ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ओके तो यहाँ से अब फिर इसको देख के आप प्लानिंग करना है कि ये डायग्राम आप कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो समटाइम्स होता होता क्या है कि अगर सपोज इफ यू स्टार्टेड ड्राइंग हियर, काफी राइट साइड में सॉल्व कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसका डायग्राम कैसे शो होगा, और आपने स्टार्ट किया तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, या तो फिर चांसेस हैं कि आपने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर दिया रेफरेंस पॉइंट ओ, और मे बी उसके चांसेस है वो बाहर जाने के। ओके देन वापस से रफ करने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा। सो एक रफ डायग्राम से आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको डायग्राम एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करनी है, उसको कहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस लगने वाला है। नेक्स्ट, मैंने डायग्राम का तो मुझे शेप पता चल गया, बट मुझे वो डिस्टेंसेस नहीं पता है। तो डिस्टेंस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ कपल पॉलीगॉन, फोर्स पॉलीगॉन का हर एक का जो साइज है वो डिपेंड करता है स्केल पे। मतलब कोई बच्चा अगर कोई और स्केल चूज करता है तो उसका डायग्राम काफी छोटा आ सकता है, कोई बच्चा अगर स्केल प्रॉपरली चूज करता है तो उसका पेज में भी मैनेज हो सकता है। तो यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे स्केल आपको डिसाइड करनी है, देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मिनिमम 0 है तो उसको स्किप कर दो, वो तो एज अ पॉइंट आ जाएगा। ओके मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखो, ये भी अननोन टर्म है, स्किप कर दो उसको। 0.06, 0.06, 0.221, 0.21, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 0.221, 0.221। ओके और मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.06 अपार्ट फ्रॉम 0। तो मैंने स्केल में उसको कंसिडर किया 0.06 kg/m², एटलीस्ट को 2 सेंटीमीटर का दिखना चाहिए डायग्राम। ओके अदरवाइज अगर उसको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ तो वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो आप उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो बेटर है कि ट्राई करो कि मिनिमम वैल्यू जो है एटलीस्ट वो 2 सेंटीमीटर का विजिबल हो। तो अगर 0.06 kg/m² इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर मुझे कितना मिलेगा, 0.03 kg/m². तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करके लेना है, 0.06 को कितना लगेगा, 2 सेंटीमीटर, 0.06 को 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.221 / 0.03, सो यू विल गेट 7.4 सेंटीमीटर। ये अननोन है, स्किप कर दो। नेक्स्ट 0.21 / 0.03, सो यू विल गेट सेंटीमीटर में आपको डिस्टेंस मिलेगा। सो जस्ट वेट, आई विल शो यू हियर।
कैलकुलेटर। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेट इट बी। सपोज ये डिस्टेंस है 0.221, आपको इसका कन्वर्जन करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे 0.221 और आपका जो सेंटीमीटर का है दैट इज 0.03, ट्राई करके देखो कितना आता है, 0.221 डिवाइड बाय 0.03, 7.36। सो 7 पॉइंट आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर। सो जी सो यहाँ पे आपको जितने भी वैल्यूज है उसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्जन करके लेना है, और ये आपको एक पेंसिल से या डिस्टेंसेस लिख के लेने हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं, चलो मैंने डिस्टेंसेस भी लिख दिया, ये अननोन था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। सबसे पहले है फर्स्ट है, मुझे उसका शेप पता है, 2 सेंटीमीटर 0 डिग्री पे टूवर्ड सेंटर। सो मुझे 2 सेंटीमीटर टूवर्ड सेंटर, तो मैंने 2 सेंटीमीटर पे 0 डिग्री पे सेल्सियस पे मुझे पॉइंट मिला ए। नेक्स्ट 0 है स्किप कर दो, M2 का एंगल कितना है 65 डिग्री, और पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर 65 डिग्री पे आपको पॉइंट मिलेगा मास 2, उसको मैं बी बोलता हूँ, या तो फिर आप 0, 1, 2, 3 बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 7.4 सेंटीमीटर, ओके बट M3 का एंगल कितना है यहाँ पे, पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, दैट इज 1.145 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 7.4 सेंटीमीटर एंगल पे जाना है 145 का। हमने क्या किया, एंगल ले लिया, ओके और अप टू 7.4 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा ये। नेक्स्ट M4 कहाँ पे है, टूवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे जाना है एग्जैक्टली 270 डिग्री पे, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड 7 सेंटीमीटर का। सो यू विल गेट सी एंड डी, गॉट इट। सो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव नेगेटिव और डिस्टेंस, इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बट ये जो पॉलीगॉन है वो क्लोज पॉलीगॉन नहीं है, इफ इट इज नॉट अ क्लोज देन देर इज अ सम अनबैलेंस, कपल्स आर प्रेजेंट, तो हमें उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एंड एम पॉइंट मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से शो किया। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल O2D O to D आपको डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है, ओके डी डैश ओ डैश, ये आपको क्या करके लेना है, मेजर करना है कि उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो वो मुझे डिस्टेंस आ रहा था 7.5 सेंटीमीटर, बट गाइस मुझे सेंटीमीटर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कपल के फॉर्म में चाहिए, तो आपको करना क्या है, जो अननोन टर्म्स था इज इक्वल टू जो डिस्टेंस मिला सेंटीमीटर में इनटू स्केल करना है, तो उसका कन्वर्जन होगा केजी मीटर स्क्वायर में। सो अननोन क्या टर्म था,
ओ डैश बी डैश अंदर क्या था 0.013 MB2, 0.013 MB2। ओके नेक्स्ट मुझे डिस्टेंस मिला मिला मुझे 7.25 सेंटीमीटर, और इंटू स्केल स्केल मैंने कितना लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.03, सो यू विल गेट MB2। ओके सो दिस इज अ कॉमन प्रोसीजर, जो अननोन मिलेगा उसका डिस्टेंस मेजर करो, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करो और इज इक्वल टू जो अननोन था वो टर्म वहाँ पे लिख दो, तो मुझे MB2 मिल गया, बट स्टिल आई डोंट नो एंगल। तो यहाँ पे देखो मुझे अगर इस पॉलीगॉन को मुझे क्लोज करना है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको एंगल देखना है, फिलहाल अभी आपको एंगल मेजर करना है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऐसी है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो एंगल आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आपको अभी क्या करना है उसको एक्सटेंड करके लेना है और ये एंगल मेजर करना है, और वो आता है अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस। ओके 7 डिग्री आता है। सो ये ट्राई करके देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है इससे हमें पता चला, टुवर्ड सेंटर क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर क्या है, तो इसके लिए मैंने एंगुलर पोजिशन के डायग्राम देखे, फिर उसके बाद मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, फिर मैंने टेबल को यूज करके मैंने उसको स्केल में कन्वर्ट करके मैंने डिस्टेंसेस फाइंड आउट किया। ओके फिर ये सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज करके मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किया, बट वो क्या था क्लोज नहीं था, तो मैंने उसको क्लोज करके दिया। ओके क्योंकि यहाँ से निकला ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर यहाँ पे जाएगा। ओके तो यहाँ पे एरो भी इम्पोर्टेंट है। ओके सो फिर जो डिस्टेंस मिला इंटू स्केल किया इज इक्वल टू अननोन टर्म किया यू विल गेट MB2। फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एंगल कैसे जा रहा है, नीचे से आ रहे ऊपर, तो ये पार्ट नहीं था सिर्फ यहीं तक था, तो वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ के रहेगा 0 to 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो वो 7 डिग्री है। ओके गॉट इट। नेक्स्ट चलो मुझे अभी MB2 पता चल गया, सो मुझे MB2 पता चल गया, तो 0.07 और MB2 का टर्म देखो कितना आ रहा था 16.35, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लो यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू। फिर यहाँ पे अननोन क्या रहेगा सिर्फ MB1, तो अभी मुझे सॉल्व करना है फोर्स पॉलीगॉन के लिए, तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1.2 किसका M1 का पॉजिटिव है, M1 का यहाँ पे 0 डिग्री पे पॉजिटिव है मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता है, सपोज मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ओके पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये इनिशियल पॉइंट था 0, ये था 1 मास M1 का। नेक्स्ट ये अननोन है स्किप कर दो, M2 पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो एंगल कितना है 65 डिग्री पे है, तो 65 डिग्री पे मुझे मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। सो एक मिनट मेन ओरिजिनल डायग्राम खराब हो रहा है, तो आपको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ दूसरी जगह पे। ओके लेट्स सी, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, वो पॉजिटिव है M1, सो अवे फ्रॉम द सेंटर, सो इट विल गो टुवर्ड्स दिस अवे फ्रॉम द सेंटर, सो 0 1। नेक्स्ट अननोन है MB1 स्किप कर दो, नेक्स्ट M2 कहाँ पे 65 डिग्री पे पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, सो यू विल गेट पॉइंट नंबर 2। थर्ड वन M3 है 145 डिग्री पे पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द सेंटर,
सो यू विल गेट पॉइंट नंबर थ्री. नेक्स्ट एम फोर, एम फोर कितना है 0.84. एम बी टू अननोन था बट बाद में मैंने इसको सॉल्व किया, तो आपको इसको क्या करना है बाद में सॉल्व करना है. तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा एम फोर को. जस्ट वेट, इट्स नॉट स्ट्रेट प्रॉपरली. वापस मैं एम थ्री को ड्रॉ करता हूँ 145 डिग्री, मुझे 3 मिला. और एम फोर क्या था, पॉजिटिव था अभी फ्रॉम द सेंटर, तो उसको मैंने ड्रॉ किया, मुझे एम फोर मिला. ओके, उसके बाद हमने जो फाइंड आउट किया था एम बी टू, वो आ रहा था 40, पर एम बी टू का पोजिशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं. हमें कितना मिला था कपल पॉलीगॉन से 7 डिग्री, तो हमने उसको बाद में ये ड्रॉ किया 7 डिग्री पे. मुझे यहाँ पे 7 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, वो रहेगा एम बी टू का. बट अगेन इट्स नॉट अ क्लोज लुक, तो आपको क्या करना है उसको ज्वाइंट करके लेना है डॉटेड लाइन से. और वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, मीन्स यहाँ पे उसका एंगल कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो उसको एक्सटेंड करके लेना है और फिर उसको एंगल मेजर करना है. अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका ये आपको रफ डायग्राम मिल जाएगा, तो अभी इसका क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखो कितना है 0.07, ये तो अननोन टर्म है सो स्किप कर दो. मुझे ये 1.4 पता है, 0.84 पता है, 1.2 पता है, तो 0.84 एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर में उसको कंसिडर करता हूँ. ओके, 0.84 को मैं एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर कंसिडर करता हूँ. फिर मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन करूंगा. तो यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाई 0.84 कर दो, 1.2 0.84 कर दो, 1.7 0.84 कर दो, यहाँ पे 1.4 है 0.84 कर दो, ये तो 1 सेंटीमीटर आएगा. तो इसका कन्वर्जन करके लेना है, देन फाइनली यू विल गेट दिस डायग्राम. ओके, सो ये आपका क्या रहेगा, अननोन टर्म. सो ये था 0, ये 1, ये 2, 3. यहाँ पे प्रॉपरली स्केल चूज नहीं किया था इसलिए काफी छोटा डायग्राम आया, 4 एंड 5. ओके, सो अगेन वो डिस्टेंस मेजर करो, दैट इज ओक्यू. यहाँ पे 2.45 इंटू क्या करोगे, स्केल करोगे, इज इक्वल टू अननोन टर्म. सो फाइनली यू विल गेट थीटा बी वन. और यहाँ पे एंगल कहाँ पे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. सो ये एंगल मेजर करो. सो यहाँ पे सिचुएशन कैसी, ऐसी. ओके, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो फिलहाल एक काम करो, ये एंगल मेजर कर दो और उसमें 180 डिग्री ऐड कर दो, देन यू विल गेट 225 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स, बट प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. फिर भी इसको 45 मिनट्स के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए. अभी मैं सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ एनालिटिकल मेथड से. सेम न्यूमेरिकल सेम डेटा, तो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे आपका एनालिटिकल मेथड में आपका गिवन डेटा सेम रहेगा क्योंकि सेम न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट भी सेम करना है, लीनियर पोजीशन सेम रहेगा, एंगुलर पोजीशन जो आपको दिया है वो भी सेम रहेगा. मतलब ये तो आपको ड्रॉ करना ही है, टेबल भी आपको बनाना है. और फिर टेबल से हमने चूज किया, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक ही अननोन है, तो मैं कपल के लिए सॉल्व करूंगा, फिर मैं फोर्स के लिए सॉल्व करूंगा. सो यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है, यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है. तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम, अदरवाइज इसको वापस से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे डायग्राम कैसी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिजोल्व किया है क्योंकि मुझे एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे कॉस और साइन का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे देखो क्लियरली. ओके, ये 0 डिग्री पे एम वन था, 65 पे एम टू था, 145 पे एम थ्री था, एंड 270 पे क्या था, एम फोर था. तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग का न्यूमेरिक है इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, अदरवाइज जरूरत नहीं है.
अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ तो हॉरिजेंटल के साथ आपको हमेशा मिलेगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ थीटा फॉर्म होगा, थीटा होगा। तो जहाँ पे थीटा आता है तो वहाँ पे कॉस थीटा का, कॉस थीटा मिलेगा और उसके अपोजिट में साइन थीटा। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जाता हूँ तो मुझे कॉस यूज करना है, और वाई एक्सिस पे जाता हूँ तो वर्टिकली तो मुझे साइन यूज करना है। तो सबसे पहले हमने चूज किया था कपल, क्योंकि वहां पे एक ही अननोन था। तो समेशन ऑफ एम आर एल एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट था, फर्स्ट मास एम वन आर वन एल वन कॉस थीटा वन, फिर जो मिडल पार्ट था अननोन टर्म था एम बी वन आर बी वन एल बी वन कॉस थीटा बी वन, एम एम टू आर टू एल टू कॉस थीटा टू, एम थ्री एल थ्री, मतलब सिक्वेंस वाइज जाना है, जो टेबल में सिक्वेंस है वही सिक्वेंस यहाँ पे भी आएगा, सिर्फ कॉस 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 आपको ऐड करते जाना है। और वापस यहाँ पे एम वन आर वन एल वन करते मत बैठना, क्योंकि हम ऑलरेडी हम टेबल में वो फाइंड आउट कर चुके हैं कितना था। एम वन आर वन एल वन 0.06 था। सो वापस से इसको रिपीट मत करो, एम इतना है, आर इतना है, एल इतना है, सो यू विल गेट एम आर एल। सो ऑलरेडी हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको सिर्फ सिंपली काम करना है 0.06 इंटू कॉस थीटा वन, जीरो कॉस थीटा बी वन, 0.06 कॉस थीटा टू। सो आपको सिर्फ कॉस का टर्म वहाँ पे लगाते जाना है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, 0. माइनस 0.06 कॉस जीरो, जीरो 0.06 कॉस 65। सो आपको हमने क्या किया, सिर्फ कॉस का टर्म यूज़ किया और एंगल्स वहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट, सो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कैल्सियम में, ये तो जीरो है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो अननोन रहेगा कॉस थीटा बी टू, 0.0 ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबका एडिशन करके मुझे ये मिला 0. माइनस 0.1256, और जो अननोन टर्म था 0.013 एम बी टू कॉस थीटा बी टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने क्या किया था, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस था वहाँ पे जाके प्लस हुआ, फिर ये जो टर्म था वहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, आई विल गेट दिस इक्वेशन। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऊपर का सेम बट हर जगह पे साइन 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 यूज करना है। तो हर जगह पे मैंने साइन वाला टर्म यूज किया, फिर मैं कैसे मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये कर ओके ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, अननोन क्या रहेगा ये टर्म। सो यू विल गेट दिस फाइनली, फिर क्या करोगे, ये टर्म वहाँ पे जाके डिवाइड होगा और आपको मिलेगा एक इक्वेशन। सो पहले क्या मिला था, एम बी टू कॉस थीटा बी टू 16.21, और अभी मुझे मिला एम बी टू साइन थीटा बी टू इज इक्वल टू 2.165। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन और कॉस को निकालना है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो स्क्वायर और ऐड करके लिया, और एल एच एस का भी मैंने स्क्वायर किया और ऐड किया। तो फाइनली मैंने क्या किया, एम बी टू का जो स्क्वायर था, एम बी टू का जो स्क्वायर था मैंने वो कॉमन ले लिया बाहर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा, वन। तो 260 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट एम बी टू इज इक्वल टू 16.35। ओके, सो सिंपल है, जब भी आपको मास निकालना है तो स्क्वायर एंड एडिंग करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो, फिर स्क्वायर रूट यूज करो और फिर वहाँ पे एम बी टू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट मुझे एंगल निकालना है, तो अगेन इक्वेशन 1/2 या तो फिर 2/1 करना है। अगर मैं 2/1 करता हूँ तो साइन बाई कॉस थीटा होगा, एम बी टू कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, और आर एच एस तो आपके पास है, तो फाइनली टेन इनवर्स करके आपको एंगल मिल जाएगा। निगेटिव साइन एज द बोथ इंडिकेट द इक्वेटर एज अ पोजिशन थीटा विल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो जो आर एच एस था यहाँ पे 2.165 था, और यहाँ पे कितना है 16.21, दोनों वैल्यूज क्या है आर एच एस इक्वेशन के पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, अगर मेरा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 7.60, यस, तो मेरा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्विंग फॉर फोर्सेस, तो सेम अभी सॉल्व करना है फोर्सेस के लिए। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ आर वाई, पहले वाई के लिए लिया, आप एक्स के लिए भी ले सकते हो। तो ऑलरेडी आप समेशन ऑफ एफ आर
टेबल में सॉल्व कर चुके हो। ओके, सिर्फ इसके पीछे कॉस लगाना है, इसके पीछे साइन लगाना है। और सेम प्रोसीजर, साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस, आपको इक्वेशन मिलेगा। ओके, एक इक्वेशन बनाना है, देखो ये माइनस में आ रहा है, और समेशन ऑफ कॉस यूज करके आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, वो भी माइनस में आ रहा है। फिर फाइनली क्या करोगे, स्क्वायर एंड एडिंग, तो स्क्वायर ऐड करोगे तो यू विल गेट एम बी वन, और डिवाइड करते हो, साइन डिवाइड बाय कॉस कर दो तो आपको टेन थीटा मिलेगा, और टेन का इन्वर्स करोगे तो आपको एंगल मिलेगा। बट मुझे यहाँ पे एंगल मिला 43.60, तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है। आपके आर एच एस के वैल्यूज दोनों भी माइनस था, -20.68, -19.7, तो अगर आपके तीनों एंगल, आपके दोनों वैल्यूज के साइन और कॉस के माइनस हैं, तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक माइनस प्लस आता तो सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पर ये तीनों, सॉरी ये दोनों क्या है, माइनस है, सो ये कहाँ पे इंडिकेट होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो आपको आंसर मिला है उसमें क्या कर दो, 180 ऐड कर दो, तो आपको थर्ड एंगल मिलेगा, दैट इज 223.16। एज अ बोथ इक्वेशन आर नेगेटिव, देन एंगल विल लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। Got it. So, ये प्रोसेस काफी इजी था, बट काफी लेंदी है। अगेन मोर देन हाफ एन आवर इसको जाता है। तो सपोज अगर न्यूमेरिकल फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो सो रहा है, और आपके पास सफिशियंट डेटा है, तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। बट इसके लिमिटेशन है, इसके लिए आपको गिवन डेटा काफी सफिशियंट होना चाहिए, अदरवाइज एनालिटिकल मेथड आप चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हो, थर्ड, A shaft carries four rotating masses A, B, C, D in this order along the its axis. So radius आपको दिया है R A, R B, R C, R D. But masses कितने दिए हैं? MB का mass दिया है, MC का mass दिया है, MD का दिया। But MA given नहीं है। The planes containing B and C are 30 centimeter apart. ओके, तो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना है, 30 सेंटीमीटर, एंड द एंगुलर स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स कंटेनिंग सी एंड डी, सी एंड डी का एंगल्स कितना है, अगेन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बी, मतलब बी से सी का एंगल है 90, बी से डी का एंगल है 210। ओके, मतलब यहाँ पे बी को उन्होंने एज ए रेफरेंस यूज किया है, लीनियर पोजिशन में भी और एंगुलर पोजिशन में भी। If the shaft and masses are in complete dynamic balance, find out mass and angular position. Means m dot a आपको find out करना है, m a find out करना है, and theta a find out करना है, and the position of planes of A and D. मुझे B and C का distance पता है, but मुझे I don't know A and D. So diagram देखो. So सबसे पहले given data क्या-क्या दिया था? All radius are given, R A, R B, R C, R D. Only three masses are given, M B, M C, M D. और B से उन्होंने क्या किया है? Angles दिए. तो B से angle दिया, तो B का खुद का angle कितना होगा? Zero. Theta C का angle 90 degree और theta D का 210. तो मैंने इससे linear position का diagram draw करता हूँ. और उन्होंने clearly बोला है, B से उन्होंने C का distance दिया, 300 mm बोला था, तो 0.3 meter. मेरे पास सिर्फ इतना ही distance available है. I don't know कि A का पोजीशन क्या होगा, I don't know D का पोजीशन क्या होगा, बट उन्होंने सीक्वेंस मेंशन किया है। सीक्वेंस कैसा है? ए बी सी डी के फॉर्म है। ओके, सो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, मैंने D का जो पोजीशन है फ्रॉम B उसको मैंने बोला X, और बैक साइड में जो A है उसका डिस्टेंस मैंने बोला Y। ओके, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एम ए थीटा है, और पोजिशन ऑफ ए एंड डी, पोजिशन ऑफ ए एंड डी मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। ओके, और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस प्लेन किसको लिया है, बी को लिया है, बी को रेफर करते हैं। ओके, तो बी से सी का डिस्टेंस है 90 डिग्री, बी से डी का डिस्टेंस है 210,
बस इतना ही डेटा था, इनिशियली ये गिवन नहीं था, एमए मुझे नहीं पता है फिलहाल। तो सर क्या करोगे, टेबल ड्रॉ करना है, मास, रेडियस, सीएफ, डिस्टेंस, कपल। सो ये मास कितना है, एमए, एमबी, एमसी, एमडी। सो तीनों पता थे, एमए अननोन था। रेडियस ऑल आर गिवन, सो उसका प्रोडक्ट लो, एमए 0.18, एमए 13 to 0.24, 7.2, सिमिलरली 6, सिमिलरली 6। डिस्टेंस, अभी ए कहाँ पे था, बैक साइड में था, पीछे था, इसलिए माइनस हुआ है। रेफरेंस यहाँ पे देखो, पहले के जो न्यूमेरिकल था वहाँ पे दो अननोन थे, तो दोनों में से मैंने एक को क्या किया था, रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर किया था। ठीक है, क्योंकि एक हट गया तो मैं दूसरे को सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे आप एम ए को, अननोन को अगर जीरो कर दोगे तो फाइंड आउट किसको करोगे। तो अभी फिलहाल गलती से भी रेफरेंस प्लेन ए को आपको रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर नहीं करना है, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पूरे गिवन डेटा में उन्होंने बी को रेफरेंस प्लेन लिया है, सो मैंने बी को रेफरेंस प्लेन लिया। तो बी के पीछे निगेटिव, बी के आगे पॉजिटिव, सो पीछे था -0, -1, आगे था 0.3 और ये एक्स। फिर अगेन मल्टीप्लाई करके लो, 0.18 mA आएगा, -7.2, ये जीरो हो जाएगा, 6 into 0.3 ये होगा 1.8, और ये कितना होगा, 6x। ओके, 0.18 mA। तो अभी आपके पास फोर्स पॉलीगन भी अवेलेबल है, सॉरी फोर्स कॉलम भी अवेलेबल है, कपल का भी है। तो अननोन मिनिमम कहाँ पे है, यहाँ पे एक ही अननोन है एम ए, और कपल में कितने अननोन है, एम ए अननोन है, एक्स अननोन है। सो यहाँ पे 0.18 mA आएगा। ओके, तो यहाँ पे अननोन कितने, एम ए अननोन है, वाई अननोन है, एक्स अननोन है। तो यहाँ पे तीन टर्म अननोन है, तो यहाँ पे एक ही टर्म अननोन है। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा फोर्स पॉलीगॉन के लिए। तो फोर्स पॉलीगॉन यहाँ पे आप स्केल चूज कर सकते हो, यहाँ पे 1 cm भी लिया तो भी चलेगा। सो यहाँ पे 6 cm यूज होगा, यहाँ पे 6 cm यूज होगा, यहाँ पे 7.2 cm यूज होगा तो भी चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे मिनिमम तो 6 ही है, बट 6 इज इक्वल टू, आप गलती से भी 1 cm मत लेना, तो काफी डायग्राम छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 6 kg मीटर भी आप ले सकते हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। केजी मीटर इज इक्वल टू 2 cm लिया तो भी चलेगा, तो डायग्राम आपका छोटा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो 1 cm कितना होगा, 3 kg मीटर। तो ऐसे करके स्केल डिसाइड करो। तो यहाँ पे मैंने तो 1 cm ही रखा, 1 cm इज इक्वल टू 1 kg मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ए कहाँ पे है, ए का तो पोजीशन नहीं मुझे पता, मुझे सिर्फ बी सी और डी का पता है। तो ए को स्किप कर दो। नेक्स्ट बी 7.2 पॉजिटिव है, कैसे आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, कैसे आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट क्या है, सी पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ऊपर जाएगा। तीसरा क्या है, डी 6 है, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, मतलब डायग्राम कुछ ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आपने जो स्केल डिसाइड किया है, आपको जो एंगल्स पता है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दो। इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस लिया, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे एंगल कितना था, आई थिंक 145 ना 210। तो यहाँ से एंगल 210 था। सो मेरा फाइनल पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आ गया, ये मैंने इसको इनिशियल पॉइंट के साथ कनेक्टेड किया। तो ये डिस्टेंस मेजर करो, इनटू स्केल करो, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। मास यहाँ पे आ रहा है 20 kg अराउंड, एंड एंगल आपका आएगा अराउंड 235, 235। ओके, और यहाँ पे था 3.7 इंटू स्केल, बट स्केल मैंने यहाँ पे लिया था 1। ओके, सो डिस्टेंस मुझे मिला 3.7 इंटू स्केल, तो मेरा 1 ही था।
और अननोन टर्म था 0.18 ma. सो फाइनली यू विल गेट ma. और अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो एक काम करो ये मेजर करो और उसमें 180 ऐड करो, तो यू विल गेट 235. फाइन, तो ये सॉल्व हो गया. नेक्स्ट अभी मुझे सॉल्व करना है कपल पॉलीगॉन, तो फिलहाल मैं इसको रख करता हूँ. फिलहाल आपको जो मिला था एम ए का वैल्यू आपको पता है. ओके, तो ये टर्म आपके लिए क्या है, ये सॉल्व हो गया, एम ए आपके लिए सॉल्व हो गया. तो यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, वाई और एक्स का टर्म आपके लिए अननोन रहेगा. तो कपल को चूज करना है, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो अननोन है क्योंकि वाई अभी भी अननोन है, तो उसको स्किप करो. नेक्स्ट जीरो है, उसको स्किप करो. 1.8, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू. सी है, तो सी कहाँ पे है, मास सी वर्टिकली है 90 डिग्री पे, सी पॉजिटिव है, तो अभी फ्रॉम दिस सेंटर. सो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया सी. ऑफ कोर्स इसके पहले मैंने क्या किया, उसका स्केल में कन्वर्जन करके लिया होगा, क्योंकि जरूर भी नहीं है. 6x भी अननोन है, 0 भी अननोन है, 0 तो 0 है, MAY भी अननोन है, तो मैंने यहाँ पे भी 1 kg m² = 1 ही चूज किया. यहाँ पे भी स्केल मैंने क्या किया, 1 cm = 1 kg m² ही चूज किया, यहाँ पे मुझे मिला. बट मेरे लिए अभी आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 6x किसका है, डी का है, तो डी कहाँ पे है, 210. तो यहाँ पे आप रोलर स्केल से आप एक लाइन बना दो, रोलर स्केल से आप ऊपर से लाइन बना दो, सॉरी तो यहाँ पे आप एक रोलर स्केल से, तो रोलर स्केल के लिए आपको ये जो डायग्राम है वो प्रॉपरली एक्यूरेट होना चाहिए. मतलब ये एग्जैक्टली 210 पे आपने पहले ड्रॉ करना चाहिए, तो जाके रोलर स्केल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट. चलो ये भी हो गया, जो पहला बचा था वो क्या था, एम ए था, और एम ए का एंगल मुझे मिला था कितना था, वो 235. सो इसको भी ड्रॉ करके लो बाद में, डॉटेड से ही सही, बट इसको ड्रॉ करो 235 पे, और फिर उसको रोलर स्केल से ट्रांसफर कर दो यहाँ पे. ओके, सो रोलर स्केल से मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे जाके एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला. आइदर हो सकते कि वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा या तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, इसलिए मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया आगे पीछे. तो मुझे यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो वो मेरा हो गया क्लोज लूप. ओके, तो क्लोज लूप का यूज कहाँ पे है, मुझे फाइंड आउट करना है 6x एंड 6y. तो गाइस ये टर्म आपके लिए पता था, बट ये डिस्टेंस आपके लिए पता नहीं है, ये डिस्टेंस आपके लिए पता नहीं है. तो ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, 6x के लिए सॉल्व किया था, और ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, -0.18 MEY के लिए सॉल्व किया था. तो ये डिस्टेंस मेजर करो, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, इनटू स्केल करना है. तो इनटू स्केल किया, और जो अननोन था 6x, देन यू विल गेट x. सेम 3.6 MEY, क्योंकि 0.18 था, और एम ए मुझे मिला था कितना, एम ए मुझे मिला था 20 kg अराउंड 20 kg. तो 0.18 MEY का आपको एम ए आपको पता है, इनटू स्केल किया यू विल गेट वाई, तो पोजीशन आपको फाइंड आउट हो गया. और जो नीचे का पार्ट है, कपल बोला नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हो कपल क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, बट बोला नहीं है. ओके, एक्स पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि वो राइट साइड में है, तो मेरा अजम्पशन करेक्ट था, और वाई निगेटिव आया इट मीन्स वो बैक साइड में है, तो आपको पोजिशन ऑफ ए एंड पोजिशन ऑफ डी आपको पता चल गया. फाइन, सो ऐसे टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट है पेज नंबर 12, 23, क्वेश्चन नंबर 12.6.10. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, ए शाफ्ट ऑफ स्पैन 3 meter, शाफ्ट का लेंथ है 3 meter, टू बेरिंग्स
कैरी टू मासेस 15 kg 30 kg एक्टिंग एट द एंड ऑफ आर्म्स 0.5 मीटर एंड 0.6 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके मतलब एक शाफ्ट पे दो मासेस है 15 kg 30 kg और दोनों कहाँ पे अटैच है एट द एंड ऑफ द आर्म्स। ओके मतलब 15 kg का मास कहाँ पे रहेगा एंड से 0.5 मीटर पे, तो 30 kg का कहाँ पे रहेगा 0.6 मीटर से। द प्लेन्स इन विच दीज मासेस रोटेट आर 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड बेरिंग। ओके प्लेन का उन्होंने डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द लेफ्ट एंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन दीज मासेस इज अ 60 डिग्री। द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट स्पीड भी दिया हुआ है। If the masses are balanced by two counter masses rotating with the shaft acting at radius 0.25, okay, balancing mass का radius दिया हुआ है and it is a place at 0.3 meter from each bearing, okay, bearing के दोनों तरफ क्या रहेगी ये 0.3 meter पे रहेगा। Determine magnitude of these two masses and orientation means आपको angle निकालना है with respect to 15 kg, okay, so आपको देखते हैं सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है टोटल शाफ्ट का लेंथ है 3 मीटर। ओके सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला 15 kg एंड 30 kg, तो 15 13 क्या होगा मास m1 एंड मास m2। मास m1 एंड मास m2। नेक्स्ट एट द एंड आर्म्स 0.5 मीटर एंड 0.6 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो 0.5 एंड 0.6 मतलब उसका क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। फिर बोला है द प्लेन्स इन विच दीज मासेस रोटेट आर 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बेरिंग, सो लेफ्ट हैंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया है, तो 1 कहाँ कब कहाँ पे है 1 मीटर पे है और m2 कहाँ पे है 2 मीटर पे है, तो लीनियर पोजिशन मुझे पता चल गया उसका। फिर बोला है द एंगल्स बिटवीन दीज टू आर्म्स इज अ 60 डिग्री। ओके सो अगर मेरा m1 ऐसे है तो m2 कहाँ पे रहेगा यहाँ पे 60 डिग्री पे 1 2। नेक्स्ट इफ द मासेस आर बैलेंस्ड बाय टू काउंटर मासेस रोटेटिंग विद द शाफ्ट रेडियस 0.25 मीटर एंड प्लेस एट 0.3 मीटर फ्रॉम ईच बेरिंग, ये इंपॉर्टेंट है 0.3 मुझे बैलेंसिंग मासेस यूज करने हैं 0.3 मीटर से, बेरिंग से उसका डिस्टेंस रहेगा 0.3, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस रहेगा 0.3 क्योंकि बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ईच बेरिंग, मतलब आपको दो बैलेंसिंग मासेस यूज करने हैं MB1 MB2 फ्रॉम द बेरिंग, उसका डिस्टेंस रहेगा 0.3 0.3। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू बैलेंस मासेस मतलब आपको MB1 फाइंड आउट करना है MB2 फाइंड आउट करना है और उसके एंगल्स फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल है न्यूमेरिकल, पर ये डायग्राम समझना चाहिए। आरपीएम दिया हुआ है MB1 MB2 θB1 θB2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे लीनियर पोजीशन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, एंगुलर पोजीशन ड्रॉ करके लिए 60 डिग्री, मुझे इतना ही पता है बाकी कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट प्लेन मास रेडियस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्टेंस कपल, सो प्लेन नहीं लिखा तो भी चलेगा। MB1 सबसे पहले सीक्वेंस देखो डायग्राम में, सबसे पहले क्या था MB1 देन M1 देन M2 देन MB2, तो सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है टेबल में भी। MB1 M1 दिया है, M2 दिया है, MB2 दिया है, रेडियस सबका गिवन था, तो यहाँ पे फाइंड आउट करो फोर्स MB1 इंटू 0.25 7.5 30 1 18 0.25 MB2। अभी आपके पास दो अननोन है, रेफरेंस किसको डिक्लेयर करोगे किसी एक अननोन को, तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ रेफरेंस प्लेन, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। मीन्स मैंने फिर अभी मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ MB1 का खुद से खुद का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, MB का डिस्टेंस कितना होगा 1 माइनस 0.3 सो 0.7 आएगा। सो नेक्स्ट सिमिलरली आपको यहाँ का लेंथ डिस्टेंस लेना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ का डिस्टेंस लेना है, तो वो मुझे मिलता है 0.7 1.7 2.4। सो गाइस प्लीज इसका एक बार प्रैक्टिस करना, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्स इनटू डिस्टेंस,
जीरो, तो ये टर्म्स फाइनाइट है, सो यू विल गेट दिस टर्म, दिस टर्म, यहाँ पे अननोन है वो, तो जी बी टू क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, फोर्स पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन, यहाँ पे कितने टर्म्स अननोन है, दो, यहाँ पे कितना अननोन है, एक, एम बी टू। तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया कपल पॉलीगॉन को, अभी स्केल चूज करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना है, 30.6, तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो वो 30 सेंटीमीटर का बनेगा, तो बेटर है कि मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो टर्म है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये 30 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको चूज करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म 0 है, स्किप करो। नेक्स्ट प्लेन ए, प्लेन ए कहाँ पे था देखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव है, प्लेन ए 0 डिग्री पे है, पॉजिटिव है अभी फ्रॉम द सेंटर, मीन्स ऐसे आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, 30 बी, बी कहाँ पे, 60 डिग्री पे, मीन्स जाएगा ऐसे। ओके और नेक्स्ट अननोन है, तो अननोन है तो वो क्या करना पड़ेगा, कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। ओके तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां पे एंड नहीं हुआ, तो उसको कनेक्ट करके लो, डिस्टेंस मेजर करो, इनटू स्केल करो, और अननोन टर्म जो था, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एम बी टू। अगेन ये कहाँ पे जा रहा है, दिख रहा है क्लियरली, नीचे जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये एक काम करो, ये एंगल मेजर करो और उसमें 180 ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा उसका एंगल 232 डिग्री। नेक्स्ट, सो मेरे पास अभी एम टू का वैल्यू पता है, तो मेरे लिए अननोन क्या रहेगा, एम बी वन। चलो अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी स्केल चूज करो, यहाँ पे स्केल हमने लिया था 1.2, 7.5 kg meter, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, 7.5 kg meter, ये मैंने स्केल चूज किया था। मिनिमम वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, तो अभी फ्रॉम दिस सेंटर आएगा 0 to 8। नेक्स्ट 18, 60 डिग्री पर, तो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि मुझे एम बी टू पता है, और वो कितना है, 235 डिग्री पर, तो 235 डिग्री पर मुझे, बट लास्ट मुझे यहाँ पे एंड हो गया, तो मुझे उसको क्या करना है, कनेक्ट करके लेना है, अगेन कनेक्ट करके लेना है, डिस्टेंस मेजर करना है, और डिस्टेंस आता है यह है 7.5, उसका स्केल था, और डिस्टेंस आता है 1.2 मीटर, तो मुझे यहाँ पे एम बी वन मिलेगा अराउंड 36 kg। ओके अगेन ये कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो एंगल मेजर करो और उसमें 180 ऐड करो, तो मुझे यहाँ पे एंगल मिलेगा 210 डिग्री सेल्सियस। ओके सो एनालिटिकल मेथड इजी है, बट एनालिटिकल मेथड से ग्राफिकल मेथड बेटर है, क्योंकि इट्स काफ़ी शॉर्टकट है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा अगर आपके उसका प्रैक्टिस होगा तो, और एनालिटिकल मेथड इजी है बट वो काफ़ी लेंदी है। सो गाइस टुडे वी विल स्टॉप हियर, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में आके जा चुके हैं, एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल विल कम फ्रॉम दिस 4 न्यूमेरिकल्स, एंड लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो इनलाइन इंजन के हैं, वो 2 न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके हैव अ नाइस डे, टेक केयर।